और एक और बड़ी खबर, आज लखीमपुर खीरी रवाना होंगे किसान। पंजाब से सैकड़ों किसान यूपी के लखीमपुर के लिए रवाना होंगे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में रवाना होंगे किसान और लखीमपुर में मृत किसानों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर, किसान नेता चढ़ूनी के नेतृत्व में सैकड़ों किसान रवाना हो रहे हैं आज गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में लखीमपुर और वहां पर मृतक किसानों के परिजनों से मुलाकात का उनका कार्यक्रम है। क्या उन्हें जाने दिया जाएगा? अब सवाल यह, जो पिछली रिपोर्ट थी हमारे सहयोगी की, उसके हिसाब से पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास करेगी। सैकड़ों किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी की अगुवाई में रवाना होंगे। चलिए और ज्यादा अपडेट लेते हैं, सीधा आपको ग्राउंड जीरो पर ले चलते हैं। गाजीपुर बॉर्डर पर इस वक्त मौजूद हैं हमारे सहयोगी शक्ति सिंह। शक्ति, इस वक्त से क्या वहां से ताजा अपडेट है आपके पास? जहां पर आप मौजूद हैं वहां से किसको होकर गुजरना है, किसान नेताओं को, किसानों को, या सचिन पायलट और प्रमोद कृष्णर और कांग्रेस नेताओं को? देखिए, कुछ ही देर में यहां से सचिन पायलट गुजरेंगे। ये सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो सचिन पायलट के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं। वहीं अगर इनकी गाड़ी के पीछे हम दिखाएं, यहां पर काफी गाड़ियां आ चुकी हैं। सीतापुर चलो, सीतापुर चलो, तो सीतापुर चलो का स्टिकर भी इन गाड़ियों पर लग चुका है। जो यहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता, हम इनसे बात करते हैं, ये बताइए कि कितनी देर में आने वाले सचिन पायलट और आचार्य कृष्णम, और उसके बाद क्या प्रोग्राम है आप लोगों का और क्या बोला गया आप लोगों को? हम लोगों से ये बात हुई है कि वो 10:30 बजे तक यूपी गेट पहुंचेंगे और उनके काफिले के साथ हमारी सैकड़ों गाड़ियां यूपी गेट से सीतापुर के लिए कूच करेंगी, जहां हमारी प्रभारी श्रीमती प्रियंका गांधी जी वहां कैद की हुई हैं। सरकार दमनकारी हो चुकी है, 11 महीने से बैठे किसानों को दिन पर दिन प्रताड़ित करती जा रही है, अलूल जलूल उनके ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनकी बातें नहीं सुनी जा रही हैं। ये सरकार बिल्कुल दमनकारी हो चुकी है। ये बताइए कि अगर सचिन पायलट को अगर यहाँ से पुलिस अनुमति नहीं देगी आगे जाने की, तो आप लोग उसके बाद क्या करेंगे? क्या पुलिस से भिड़ंत होगी? क्या उनसे आग्रह किया जाएगा? क्या रहने वाला है? हम गांधीवादी लोग हैं, हम वहाँ जाएंगे, वो जैसे भी जाने देंगे हम जाएंगे, मेरा वहाँ जाना सुनिश्चित है। अगर वो रोकते हैं, हमें गिरफ्तार करें, हमें जेलों में बंद करें, पूरे देश के लोग आहत हैं इस कार्यक्रम से, योगी सरकार के इस कदम से आहत हैं। हम लोग यहाँ से चलेंगे, सीतापुर जाएंगे, अपने नेता से जरूर मुलाकात करके और लखीमपुर किसानों को मरहम लगाने के लिए जाएंगे। अच्छा, आप बताइए कि इसके बाद अगला पड़ाव कौन सा होने वाला और कितने कार्यकर्ता आपके आगे इंतजार कर रहे हैं? देखिए, हर जनपद में जो कांग्रेसी खड़े मिलेंगे, हम तमाम नेता जो भी जनपद इस रास्ते पर, जो शहर पड़ेंगे, सभी के कार्यकर्ता सड़क पे हैं, इंतजार में हैं और आदरणीय प्रियंका गांधी जी के पास सब पहुंचेंगे। और सिर्फ सवाल इतना है कि जो गाड़ियों से कुचल दिए निर्मम किसान, जो हत्या की गई है, सरकार खड़ी है उस के साथ खड़ी है जिसके बेटे ने अपनी गाड़ी चढ़ा के लोगों की जान ले ली, लेकिन सरकार ये नहीं देख रही कि उन किसानों के साथ न्याय करें। जो उस किसान की आवाज उठाने वाली पार्टी, हमारे नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, तमाम नेता ये आवाज उठा रहे हैं कि उनके साथ न्याय करो, हमें उनसे मिलना है। कितनी गाड़ियों काफिला है और कितनी तादाद में जो कार्यकर्ता है, कितनी तादाद में यहाँ से? हजारों की तादाद में संख्या है कांग्रेस जनों की, और सैकड़ों गाड़ियां तो पीछे अक्षरधाम पे पहुंच चुकी है। यहाँ भी गाड़ियां आए रास्ते में, डासना, हापुड़, ब्रजघाट, गणमुक्तेश्वर, अमरोहा, मुरादाबाद, तमाम हजारों गाड़ियों के काफले के साथ सचिन पायलट जी और आचार्य कृष्णम जी वहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, अगर मैं अपने पीछे की आपको तस्वीरें दिखाऊं, जी सकते, तो यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाए हुए हैं, दोनों ही सड़क पर बैरिकेडिंग लगे हुए हैं। वहीं पीएससी की गाड़ी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर मौजूद है।